हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हेमा मेहरा पे, जहाँ पे कि आज हम बात करने वाले हैं अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भावस्था में अगर पथरी हो जाए, किडनी में हो या फिर पित्ताशय में हो, ब्लैडर में हो, गॉल ब्लैडर में हो, तो आपको कैसे पता चलेगा, क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे, क्या लक्षण आपकी बॉडी में आएंगे और आपको किन बातों का ध्यान रखना है अगर आपको प्रेगनेंसी के चलते स्टोन की प्रॉब्लम हो गई है, स्टोन हो गया है, और जानेंगे कि इसके ट्रीटमेंट में क्या क्या किया जाता है और आपको किन बातों का क्या क्या सावधानियाँ रखनी है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, सारा डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है, लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले मैं इसके लक्षणों की बात करूंगी। जैसे अगर आपको प्रेगनेंसी में जो है स्टोन की प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। देखिए क्या होता है, शुरुआत में आपको नहीं पता चलेगा, जैसे जैसे आपके मंथ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है कि जो यूट्रस है, बच्चेदानी है, उसका आकार बढ़ता जाएगा, क्योंकि बच्चे का आकार बढ़ेगा अंदर, यूट्रस भी अपना आकार बढ़ाता जाएगा। तो उसके बढ़ जाने के कारण जैसे जैसे आपको मंथ होंगे, आगे चलते जाएंगे, प्रेगनेंसी आगे चलते जाएगी, तो उसका आकार बढ़ेगा और आपके जो यूट्रस का भार है, जो आपके बच्चेदानी का भार है, वो उस जगह पे पड़ेगा जहाँ पे कि स्टोन हुआ है, किडनी में या फिर ब्लैडर में, उस जगह पे आपके बच्चेदानी का दबाव पड़ेगा, भार पड़ेगा, तो बहुत एक्स्ट्रा पेन उसमें होता है जैसे जैसे आपके मंथ बढ़ते जाते हैं, क्योंकि बच्चेदानी का आकार वैसे वैसे बढ़ता जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपको चुभन सी महसूस होगी, आपको दर्द बना रहेगा और इसके अलावा आपको क्या होगा कि उल्टियाँ आएंगी, वॉमिटिंग भी आ सकती हैं, और इसके अलावा आपको कपकपी के साथ यानी कि ठंड लग के बुखार आएगा। तो ये सारे साइन इसमें दिखाई देते हैं। और अगर सीवियर जो है स्टोन हो जाए, यानी कि घाव हो जाए, वहाँ पे इन्फेक्शन भी डेवलप हो जाए स्टोन के कारण, तो क्या होता है कि आपकी जो पेशाब है उसमें ब्लड भी आ सकता है, ब्लड आ सकता है, और जो अल्ट्रासाउंड है उसमें आपकी एक्स्ट्रा स्वेलिंग भी दिखाई देगी। तो ये सारे लक्षण होते हैं, साइन होते हैं, जो कि बॉडी दिखाती है, जिससे कि आपको समझना है और तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो ये एक कारण होता है आपके जब प्रेगनेंसी चल रही है उस टाइम पे आपके अब्डोमिन में अगर पेन हो रहा है, तो एक कारण ये भी होता है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो इसमें ट्रीटमेंट की बात करूँ तो मैं सबसे पहले, अगर छोटा मोटा स्टोन होता है तो डॉक्टर आपको एक्सेसिव फ्लूइड लेने के लिए बोलते हैं, फ्लूइड इनटेक करने के लिए बोलते हैं, पानी ज़्यादा पिए या फिर जो रसीली चीज़ें हैं, फ्रूट हो गया या फिर जूस हो गया, वो ज़्यादा लेने के लिए कहते हैं, ताकि जो भी पथरी है वो अच्छे से निकल सके, यही एक्सपेक्टेशन की जाती है। और इसके अलावा अगर पथरी ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी पेन आपको हो रहा है, जैसे जैसे मंथ बढ़ रहे हैं बहुत पेन हो रहा है, पथरी ज़्यादा बड़ी है, तो क्या होता है कि उस पर आपको जो है दर्द वाली जो है दवाइयाँ भी डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं, तो उस पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और आपको अपने तरफ से भी ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा पीना है और जूस वगैरह ज़्यादा लेनी है, जिससे कि जो पथरी है वो आसानी से निकले और आपको प्रॉब्लम ना हो, और जो उल्टी वगैरह होती है उसकी भी भरपाई हो, क्योंकि जितना अगर हम खाए रहते हैं उल्टी हो जाए तो बच्चे को भी न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगा, क्योंकि जो मदर खा रही है उसी से बच्चे को न्यूट्रिशन पहुँचता है। तो आप जो भी अगर आपको उल्टी हो भी रही है, तो आप उतना ही आप शिकंजी वगैरह या फिर जूस वगैरह ले लें, ताकि उसकी भरपाई हो सके। दूसरा क्या होता है कि सीवियर स्टोन हो जाता है, यानी कि घाव हो जाता है, पस फॉर्म हो जाता है, पस भर जाता है उस पर जहाँ पे आपको स्टोन प्रॉब्लम हुई है, इन्फेक्शन हो जाता है, आपके जो यूरिन है, पेशाब में जो है खून आने लगता है, ब्लड आने लगता है, तो वो काफ़ी सीवियर होता है, उस पर आपको तुरंत जो है एक्शन लेते हैं डॉक्टर, आपका जो है ऑपरेशन के द्वारा स्टोन को निकाला जाता है, ताकि और दिक्कत पैदा ना हो सके, वो बच्चे को नुकसान ना पहुँचा सके, क्योंकि इन्फेक्शन धीरे धीरे काफ़ी बढ़ सकता है, तो वो धीरे धीरे जो है बच्चे को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ज़्यादा सीवियर होने पे, वैसे सीवियर इतना होता नहीं है अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे शुरुआत से ही, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। और कुछ लेडीजों में इस तरह की प्रॉब्लम हो भी जाती है, तो उसको दूरबीन के माध्यम से या उसको निकाला जाता है, ताकि जो है इन्फेक्शन ज़्यादा ना बढ़े और बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, ना मदर को प्रॉब्लम हो। साथ ही आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है, शुरुआत से ही आपको पानी ज़्यादा लेना है, फ्लूइड रसीली चीज़ें ज़्यादा लेनी है,
हैं, जिससे कि आपको जो है प्रेगनेंसी के चलते आपको स्टोन की प्रॉब्लम ना हो। सो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, प्लीज़ इसे लाइक करें, और जिसको भी आपके फैमिली मेम्बर में या फिर रिलेटिव में किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो उन्हें ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाएगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, और भी कोई सवाल है आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड, या कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है आपके मन में, नीचे हमें कॉमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे। प्यारा सा आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ, क्योंकि आपके एक लाइक और कॉमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो और भी अपने चैनल पर अपलोड करने का। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।